हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर गुड। आज की हरियाणा की हमारी इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं हरियाणा के कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके जो उपनाम है, मीन्स किन किन नामों से उनको बुलाया जाता है। तो इसी की स्टार्ट करते हैं। देखिए, हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम जो है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ताऊ जननायक किंग मेकर है। अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप प्लीज़ मेरे जो वॉइस है उसको सुन के आप सही लिख लीजिएगा। मेरी राइटिंग थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ अच्छी है तो आप लिख लीजिएगा। ताऊ जननायक किंग मेकर, गरीबों का मसीहा, और इसे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है किसानों का मसीहा, शेरे हरियाणा और हरियाणा केसरी। ये सारे के सारे जो नाम हैं चौधरी देवीलाल के लिए यूज़ किए जाते हैं। चौधरी देवीलाल जो है सिरसा डिस्ट्रिक्ट के चौटाला गाँव के रहने वाले हैं, ठीक है जी। और हरियाणा केसरी को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो हरियाणा केसरी जो है ये चौधरी देवीलाल को भी कहा जाता है और हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा को भी कहा जाता है। तो ये हमारे सारे के सारे उपनाम है चौधरी देवीलाल जी के, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक हरियाणा के जन्मदाता, आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार और हरियाणा के लौह पुरुष। कहे जाते हैं चौधरी बंसीलाल भिवाड़ी के रहने वाले। नेक्स्ट है बिश्नोई समाज के सिरमौर मींस इनके जो सरताज हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बिश्नोई समाज का प्रचार किया था, बिश्नोई समाज के सिरमौर हैं चौधरी भजनलाल। राजनीति के केंद्र बिंदु, इनको राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता था। किसी समय में देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल एक साथ एक ही पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित थे और आपस में किसी तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी थे। तो चौधरी भजनलाल जो है राजनीति के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। और ये जो तीनों नाम आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, चौधरी देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल, इन्हें हरियाणा के तीन लाल भी कहा जाता है। हरियाणा के तीन लाल हैं ये, और अभी जो चौथे लाल है हरियाणा के, हमारे जो CM साहब हैं मनोहर लाल जी खट्टर, ये हरियाणा के चौथे लाल हैं। नेक्स्ट नीचे की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है लाला मुरलीधर को। इसी के साथ साथ इन्हें कुछ और भी नाम से जाना जाता है, केसर ए हिंद और राय बहादुर का जो सम्मान है ये भी लाला मुरलीधर को दिया गया है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब है लाला मुरलीधर, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है दादा भाई नौरोजी, और राय बहादुर का जो सम्मान है लाला मुरलीधर को दिया गया था। और इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर अपना राय बहादुर का जो सम्मान है इसे वापस लौटा दिया था, ठीक है जी। और केसर हिंद भी राय लाला मुरलीधर को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते, दीनबंधु चौधरी छोटू राम को कहा जाता है, रुबाई सम्राट कहा जाता है उदयभान हंस को। उदयभान हंस है, इन्हें हरियाणा का प्रथम कवि भी कहा जाता है। उदयभान हंस हरियाणा के प्रथम कवि कहे जाते हैं। इसके बाद कुछ और अन्य व्यक्तियों के उपनाम है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। बाइबल देख लीजिए, सवर सम्राट कहते हैं पंडित जसराज को। शास्त्रीय संगीत से संबंधित है और हिसार के रहने वाले हैं पंडित जसराज। नेक्स्ट जो उपनाम है हरियाणा हरिकेन, ये कहा जाता है कपिल देव को कहा जाता है हरियाणा हरिकेन। हरिकेन का मतलब होता है एक तरह का तूफान को कहते हैं हरियाणा हरिकेन। हरिकेन है जो USA, जो कुछ कंट्रीज है USA में एक तूफान आता है, उस तूफान का नाम है हरिकेन। नेक्स्ट है जाटों के अफलातून कहे जाते हैं राजा सूरजमल को कहा जाता है जाटों का अफलातून। राजा सूरजमल के बारे में आप सभी को बता होगा कि जो सूरजकुंड है फरीदाबाद के अंदर, सूरजकुंड का जो मेला लगता है, तो सूरजकुंड का निर्माण है राजा महाराजा सूरजमल ने ही करवाया है। नेक्स्ट देखिए आप,
रुस्तम ए हिंद, किनका नाम है रुस्तम ए हिंद, ये है सज्जन सिंह, सज्जन सिंह कुश्ती के प्लेयर है सज्जन सिंह, तो इन्हीं को कहा जाता है रुस्तम ए हिंद। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के गांधी, हरियाणा के गांधी कहे जाते हैं मूलचंद जैन, हरियाणा के गांधी है मूलचंद जैन, हरियाणा के सूर्य कवि, हरियाणा के जो सूर्य कवि है, और हरियाणा के शेक्सपियर, हरियाणा के सूर्य कवि और हरियाणा के शेक्सपियर कहे जाते हैं पंडित लक्ष्मीचंद को, पंडित लक्ष्मीचंद बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, इनका नाम है पंडित लक्ष्मीचंद। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम कालिदास, सॉरी हरियाणा के कालिदास किन्हें कहा जाता है, इनका नाम है दीपचंद बहमन, दीपचंद बहमन है इन्हें कालिदास कहा जाता है। साथ साथ आप नोट करते जाइएगा, जहां भी आपको लगे कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप वहां पे जो रिकॉर्ड है रिकॉर्डिंग को अच्छे से सुन लीजिएगा। शमशेर उलेमा, शमशेर उलेमा ये कहा जाता है अल्ताफ हुसैन हाली को, अल्ताफ हुसैन हाली को, अल्ताफ हुसैन हाली अर्जुन है, ये पानीपत के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, स्टील किंग, ओपी जिंदल, ओपी जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल इनका नाम है, ये फाउंडर हैं जिंदल एंड जिंदल जो कंपनी है उसके फाउंडर हैं, जिंदल एंड जिंदल कंपनी के फाउंडर हैं ओपी जिंदल, और अभी जो वर्तमान है इसके जो ओनर है अभी नवीन जिंदल जो इसे चला रहे हैं जिंदल एंड जिंदल कंपनी को, हिसार में स्थित है ये ओपी जिंदल, स्टील किंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लता मंगेशकर, मंगेशकर ये मोनिका सोनी, मोनिका सोनी जो है रेवाड़ी की रहने वाली है, रेवाड़ी की रहने वाली गायिका है, इन्हें हरियाणा की लता मंगेशकर या रेवाड़ी की लता मंगेशकर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हादी ए हरियाणा, हादी ए हरियाणा की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है, हादी ए हरियाणा, इनका नाम है शाह मोहम्मद, शाह मोहम्मद, हादी ए हरियाणा है शाह मोहम्मद को कहा जाता है। राय बहादुर, इससे पहले भी हमने पढ़ा है, आप एक बार अपने मन में दोहराइए, राय बहादुर के लिए कहा जाता है, लाला मुरलीधर को, लाला मुरलीधर को भी कहा जाता है, और सर शादीलाल जो है, सर शादीलाल इन्हें भी राय बहादुर का सम्मान है दिया गया है, इन्हें भी सर शादीलाल को राय बहादुर भी कहा जाता है, और इन्हें सर भी कहा जाता है, ठीक है। सर छोटू राम को भी कहा जाता है, छोटू राम को भी सर की उपाधि दी गई, तो सर छोटू राम को भी कहा जाता है और सर शादीलाल को भी कहा जाता है, दोनों ही आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राय पिथौरा, राय पिथौरा कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को, राय पिथौरा कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को, नीचे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिखा है झूठ राजा, झूठ राजा है, झूठ राजा मत लिख लीजिएगा उसको, झूठ राजा कहा जाता है सेठ छज्जू राम को,
सेठ छंजूराम को कहा जाता है जूट राजा। और आई थिंक आपके सारे जो उपनाम है प्रसिद्ध व्यक्तियों को वे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इन सारे के सारे नामों को अच्छे से याद रखिएगा। इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हरियाणा जीके का अच्छा पार्ट है। आई होप आपको सारे के सारे जो उपनाम है एक जगह मिल चुके हैं, एक जगह एक ही साथ एक लेक्चर के अंदर आपको पढ़ने को मिल रहे हैं, तो आई थिंक इजीली याद करने में भी ज़्यादा इतनी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है जी, तो ओके फ्रेंड, ये हमारा टॉपिक था आज का, इसको आप देखिए अच्छे से और ये सारी चीज़ें जो आप याद रखिएगा। बार बार क्वेश्चन में हरियाणा जीके के जो पार्ट हैं उनमें ये बार बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आई होप आप सब इसको अच्छे से देखेंगे, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो, और बहुत सारे धन्यवाद के साथ थैंक यू सो मच।